नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आज हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे। सर्वप्रथम इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सर्वप्रथम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिफाइन करना सीखेंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में स्ट्रिंग की डेरिवेशन सीखेंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की एम्बिग्यूटी के बारे में जानेंगे। अंत में पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने दिखाया है कि हर एक लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती है। रेगुलर लैंग्वेज आमतौर पर एक सरल पैटर्न का वर्णन करती है। यदि हम लैंग्वेज l इक्वल टू ए एन बी एन सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को देखते हैं, तो इस लैंग्वेज के लिए DFA डिजाइन करना संभव नहीं है, क्योंकि b और a की संख्या को याद रखने के लिए DFA में हमारे पास कोई तरीका नहीं है। यह लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त तंत्र की आवश्यकता होती है जो इस तरह की विशेषताओं को कवर कर सके। यह हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज और ग्रामर्स पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से प्रारंभ करेंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कोई ग्रामर g इक्वल टू वी टी एस पी कॉन्टेक्स्ट फ्री कहलाती है यदि इसके प्रोडक्शंस a रिप्लेस्ड बाय x की फॉर्म के हों, जहां a एक नॉन टर्मिनल हो तथा x v यूनियन t की कोई स्ट्रिंग हो जिसमें empty स्ट्रिंग भी शामिल है। कोई लैंग्वेज l कॉन्टेक्स्ट फ्री कहलाती है यदि इसके लिए कोई एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर g हो जो कि लैंग्वेज l को जनरेट करती हो, अर्थात l इक्वल टू l g। प्रत्येक रेगुलर लैंग्वेज एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है, लेकिन हर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती है। इस प्रकार रेगुलर लैंग्वेजेज का परिवार कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज के परिवार का एक प्रॉपर सबसेट है। आइए एक उदाहरण से देखते हैं। लैंग्वेज l इक्वल टू ए एन बी एन सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को लेते हैं। इस लैंग्वेज की ग्रामर g इक्वल टू वी टी एस पी है, जहां v इक्वल टू s, t इक्वल टू ए बी तथा p में प्रोडक्शंस s रिप्लेस्ड बाय a s b तथा s रिप्लेस्ड बाय लैम्डा होंगे। लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशंस, किसी डेरिवेशन को लेफ्ट मोस्ट कहा जाता है यदि हर एक स्टेप में सेंटेंशियल फॉर्म में लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को रिप्लेस किया जाए। यदि राइट मोस्ट वेरिएबल को रिप्लेस किया जाए तो डेरिवेशन को राइट मोस्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक ग्रामर g इक्वल टू वी टी एस पी लेते हैं, जिसमें v इक्वल टू s a b, t इक्वल टू a b हों तथा p में निम्न प्रोडक्शंस हों, s रिप्लेस्ड बाय a b, कैपिटल a रिप्लेस्ड बाय स्मॉल a कैपिटल a, कैपिटल b रिप्लेस्ड बाय स्मॉल b b कैपिटल b, कैपिटल a रिप्लेस्ड बाय लैम्डा कैपिटल b रिप्लेस्ड बाय लैम्डा। यह ग्रामर लैंग्वेज l इक्वल टू a m b ट्वाइस n सच दैट m n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को जनरेट करती है। इस लैंग्वेज की एक स्ट्रिंग w इक्वल टू a a b b b b का डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रिंग w इक्वल टू a a b b b b का लेफ्ट मोस्ट तथा राइट मोस्ट डेरिवेशन देख सकते हैं। डेरिवेशन ट्री, यदि g इक्वल टू v t s p एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो तो डेरिवेशन ट्री एक ऑर्डर्ड ट्री होता है जो कि निम्न प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। वन, रूट का लेबल s होना चाहिए। सेकंड, प्रत्येक लीफ वर्टेक्स का लेबल सेट t यूनियन लैम्डा में होना चाहिए। यदि किसी लीफ वर्टेक्स का लेबल लैम्डा हो तो वह अपने पेरेंट वर्टेक्स का अकेला चाइल्ड होगा। तीसरा, ऐसा वर्टेक्स जो कि लीफ वर्टेक्स ना हो उसका लेबल सेट v में होना चाहिए। फोर्थ, यदि किसी वर्टेक्स a के चिल्ड्रन x1, x2 अप टू xn बाईं से दाईं तरफ की ओर हों तो p में a रिप्लेस्ड बाय x1, x2 अप टू xn फॉर्म का एक प्रोडक्शन होना चाहिए।
डेरिवेशन पी से किसी स्ट्रिंग को प्राप्त करने के लिए हम लीफ वर्टिसेस के लेबल्स को बाईं से दाईं की तरफ कॉनकेटनेशन करते हुए लिखते हैं। यदि जी इक्वल टू वी टी एस पी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो तो एस डब्ल्यू को डिराइव करेगा यदि और केवल यदि जी के लिए एक डेरिवेशन ट्री हो जिससे डब्ल्यू प्राप्त होता हो। उदाहरण के लिए एक ग्रामर जी इक्वल टू वी टी एस पी लेते हैं जिसमें v इक्वल टू एस ए बी, t इक्वल टू ए बी हों तथा p में निम्न प्रोडक्शंस हों, s रिप्लेस्ड बाई ए बी, कैपिटल ए रिप्लेस्ड बाई स्मॉल ए, कैपिटल ए रिप्लेस्ड बाई स्मॉल ए, कैपिटल b रिप्लेस्ड बाई a स्मॉल a, कैपिटल b स्मॉल b, कैपिटल b रिप्लेस्ड बाई लैम्डा। यहाँ पर दिखाया गया ट्री एक डेरिवेशन ट्री है जिससे हमें स्ट्रिंग w इक्वल टू ए ए ए बी प्राप्त होती है। पार्शियल डेरिवेशन ट्री, यदि डेरिवेशन ट्री में दी गई शर्तों में रूट का लेबल s होना जरूरी नहीं हो तथा लीफ वर्टेक्स का लेबल सेट v यूनियन t यूनियन लैम्डा में हो तो इसे पार्शियल डेरिवेशन ट्री कहते हैं। यहाँ पर दिखाया गया ट्री पूर्व के उदाहरण में दी गई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए एक पार्शियल डेरिवेशन ट्री है। एम्बिग्यूटी इन ग्रामर, कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी एम्बिग्यूस कहलाती है यदि जी से जनरेट होने वाली लैंग्वेज की कोई स्ट्रिंग डब्ल्यू हो जिसके लिए कम से कम दो अलग अलग डेरिवेशन ट्रीज अथवा लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशंस हों। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। ग्रामर जी इक्वल टू वी टी एस पी लेते हैं जिसमें वी इक्वल टू एस, टी इक्वल टू ए कॉमा बी तथा पी में निम्न प्रोडक्शंस हों, s replaced by ASB, s replaced by SS, s replaced by lambda। String W equal to AABB के दो derivation tree बन सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अतः यह grammar ambiguous है। अब हम context free languages को recognize करने के लिए प्रयुक्त machine को देखेंगे। Push down automata। सर्वप्रथम हम पुश डाउन ऑटोमेटन का बेसिक मॉडल देखेंगे। इसमें एक रीड ओनली इनपुट टेप, एक इनपुट अल्फाबेट, एक फाइनाइट स्टेट कंट्रोल तथा फाइनाइट स्टेट का एक सेट होता है जैसा कि फाइनाइट ऑटोमेटा में होता है। इनके अतिरिक्त इसमें एक स्टैक होता है जिसे पुश डाउन स्टोर PDS कहा जाता है। यह एक रीड राइट पुश डाउन स्टोर होता है जिसमें से एलिमेंट्स को जोड़ा अथवा हटाया जा सकता है। किसी समय पर पुश डाउन ऑटोमेटन किसी स्टेट में होता है और इनपुट सिंबल और PDS में सबसे ऊपरी सिंबल को पढ़ने पर यह एक नए स्टेट में जाता है और पुश डाउन स्टोर में सिंबल्स की एक स्ट्रिंग लिखता है। यहाँ पर दिखाए गए डायग्राम में आप एक पुश डाउन ऑटोमेटन का बेसिक मॉडल देख रहे हैं। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटन, औपचारिक रूप से पुश डाउन ऑटोमेटन को हम सात एलिमेंट्स के सेट p इक्वल टू क्यू सिग्मा गामा डेल्टा क्यू जीरो जेड जीरो एफ के रूप में दिखाते हैं, जहां q स्टेट्स के सेट को, सिग्मा इनपुट सिंबल्स को, गामा पुश डाउन सिंबल्स को, डेल्टा q क्रॉस सिग्मा यूनियन लैम्डा क्रॉस गामा से q क्रॉस गामा स्टार के एक फाइनाइट सबसेट में ट्रांजिशन फंक्शन को, Q0 प्रारंभिक स्टेट को, Z0 पुश डाउन स्टोर में प्रारंभिक सिंबल को तथा F फाइनल स्टेट्स की सेट को दिखाता है। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि ट्रांजिशन डेल्टा Q, कॉमा A, कॉमा Z, Q, कॉमा गामा स्टार का एक फाइनाइट सबसेट होगा। डेल्टा Q, कॉमा A, कॉमा Z के एलिमेंट्स q डैश कॉमा एक्स फॉर्म के होंगे जहां पर q डैश बिलोंग्स टू q तथा x बिलोंग्स टू गामा स्टार होगा। डेल्टा q a z एक एम्प्टी सेट भी हो सकता है, अतः PDA की प्रवृत्ति नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। यदि x इक्वल टू ए वन ए टू अप टू ए एन पुश डाउन स्टोर में कोई स्ट्रिंग हो तो ए वन टॉप एलिमेंट होगा, ए टू दूसरा टॉप एलिमेंट होगा तथा इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, यदि p इक्वल टू q
क्यू सिग्मा गामा डेल्टा क्यू जीरो जेड जीरो एफ एक पुश डाउन ऑटोमेटन हो, तो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जिसे हम शॉर्ट में आईडी भी कहते हैं, क्यू एक्स वाई होता है जहां पर क्यू कोई स्टेट है, एक्स इनपुट सिंबल की कोई स्ट्रिंग है तथा वाई पुश डाउन स्टोर की कोई स्ट्रिंग है। आईडी किसी समय पर पुश डाउन ऑटोमेटन की स्थिति को बताता है। उदाहरण के लिए क्यू कॉमा ए बी बी ए कॉमा बी ए जेड जीरो एक आईडी है जो यह दिखाता है कि पीडीए की वर्तमान स्टेट क्यू है, ए बी बी ए स्ट्रिंग प्रोसेस होनी है तथा बी ए जेड जीरो पुश डाउन स्टोर की स्ट्रिंग है जिसमें बी सबसे ऊपर का सिंबल है। किसी स्ट्रिंग एक्स के लिए इनिशियल आईडी क्यू जीरो एक्स कॉमा जेड जीरो होगी। मूव रिलेशन, यदि पी एक पुश डाउन ऑटोमेटन है तो मूव रिलेशन दो आईडीज के बीच में एक रिलेशन है जो टर्नस्टाइल सिंबल द्वारा दिखाया गया है तथा यह प्रदर्शित करता है कि टर्नस्टाइल सिंबल के बाईं वाली आईडी से दाईं वाली आईडी को डिराइव किया जा सकता है। इसे हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, यदि डेल्टा क्यू आई कॉमा ए वन कॉमा जेड वन इक्वल टू क्यू जे कॉमा बी वन हो तो क्यू आई कॉमा ए वन ए टू अप टू ए एन जेड वन जेड टू जेड एम क्यू जे ए टू टू ए एन बी वन जेड टू अप टू जेड एम इसको डिराइव करेगा। यदि आई डी क्यू आई एक्स वाई से आई डी क्यू आई डब्ल्यू जेड एन मूव रिलेशंस के बाद प्राप्त हो रही हो तो क्यू आई एक्स वाई टर्नस्टाइल सिंबल स्टार के साथ क्यू आई डब्ल्यू जेड से इसे हम दिखाते हैं। एक्सेप्टेंस बाई पी डी ए, क्योंकि पुश डाउन ऑटोमेटन में फाइनल स्टेट्स के अलावा पुश डाउन स्टोर भी होता है, अतः पुश डाउन ऑटोमेटन में हम दो तरीकों से स्ट्रिंग का एक्सेप्ट होना दिखा सकते हैं। एक्सेप्टेंस बाई फाइनल स्टेट, यदि पी एक पुश डाउन ऑटोमेटन है तो पीडीए के द्वारा फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट की जाने वाली लैंग्वेज में स्ट्रिंग डब्ल्यू होगी यदि इनिशियल आईडी से प्रारंभ करते हुए मूव रिलेशन द्वारा हम ऐसी आईडी प्राप्त करें जिसकी स्टेट फाइनल स्टेट हो तथा स्ट्रिंग डब्ल्यू पूरी रीड कर ली गई हो, अर्थात इनपुट स्ट्रिंग लैम्डा हो फिर चाहे कोई भी स्ट्रिंग पुश डाउन स्टोर में बची हुई हो। इसे मैथमेटिकली हम दिखाए गए तरीके से लिख सकते हैं। एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, यदि पी एक पुश डाउन ऑटोमेटा है तो पीडीए के द्वारा एम्प्टी स्टैक से एक्सेप्ट की जाने वाली लैंग्वेज में स्ट्रिंग डब्ल्यू होगी यदि इनिशियल आईडी से प्रारंभ करते हुए मूव रिलेशन द्वारा हम ऐसी आईडी प्राप्त करें जिसमें स्टेट कोई भी हो परंतु इनपुट स्ट्रिंग पूरी रीड कर ली हो तथा स्टैक भी खाली हो चुका हो, अर्थात इनपुट स्ट्रिंग व स्टैक स्ट्रिंग दोनों लैम्डा हों। इसे मैथमेटिकली हम दिखाए गए तरीके से लिख सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करना सीखते हैं। यहाँ पर हमें लैंग्वेज एल इक्वल टू ए एन बी एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए पुश डाउन ऑटोमेटन बनानी है। इस लैंग्वेज में जितनी बार ए आएगा उतनी ही बार बी भी आना चाहिए, अतः यह काउंट करने के लिए पहले हमें सभी एज को स्टैक में पुश करेंगे फिर बी को ए से एक एक कर हम मैच करेंगे। यदि इनपुट स्ट्रिंग खत्म होने पर स्टैक में जेड जीरो बचता है तो इसका अर्थ ए तथा बी बराबर संख्या में है। यदि इनपुट स्ट्रिंग में बी बचता हो तथा स्टैक में जेड जीरो हो अथवा इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो गई हो तथा स्टैक में ए हो तो ए तथा बी बराबर संख्या में नहीं है। यहाँ पर हमें तीन स्टेट्स की आवश्यकता होगी, पहली जब हम ए को स्टैक में पुश करते रहें, दूसरा जब हम बी तथा ए को मैच करते रहें, तीसरा फाइनल स्टेट। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर हम ट्रांजिशंस लिखेंगे। माना कि पी लैंग्वेज एल के लिए एक पुश डाउन ऑटोमेटन है जहाँ क्यू क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू गामा इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा जेड जीरो एफ इक्वल टू क्यू टू द ट्रांजिशंस इस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि हमें सभी ए को स्टैक में पुश करना है अतः ट्रांजिशन डेल्टा क्यू जीरो ए जेड जीरो इक्वल टू क्यू जीरो
ए जेड जीरो होगा, पहले इक्वल स्टैक में पुश करेगा तथा ट्रांजिशन डेल्टा क्यू जीरो ए इक्वल टू क्यू जीरो कॉमा ए बाद के सभी ए को स्टैक में पुश करेगा। जैसे ही पहला बी आएगा एक ए स्टैक से हटना चाहिए, अतः इसे याद रखने के लिए स्टेट भी बदलनी होगी। अतः ट्रांजिशन डेल्टा क्यू जीरो बी ए इक्वल टू क्यू वन लैम्डा होगा। बाकी के सभी बी को प्रोसेस करने के लिए ट्रांजिशन डेल्टा क्यू वन बी ए इक्वल टू क्यू वन लैम्डा होगा। यदि स्ट्रिंग लैंग्वेज में है तो पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस होने पर स्टैक में जेड जीरो बचना चाहिए, अतः ट्रांजिशन डेल्टा क्यू वन लैम्डा जेड जीरो इक्वल टू क्यू टू जेड जीरो होगा, जो कि पुश डाउन ऑटोमेटन को फाइनल स्टेट में भेजेगा। यहाँ पीडीए में स्ट्रिंग को फाइनल स्टेट द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि हमें एम्प्टी स्टैक से एक्सेप्ट करना हो तो स्टेट क्यू टू की आवश्यकता नहीं होगी तथा हम पांचवें ट्रांजिशन को डेल्टा क्यू वन लैम्डा क्यू जीरो इक्वल टू क्यू वन लैम्डा से भी लिख सकते हैं। अब हम लैंग्वेज की एक स्ट्रिंग ए ए बी बी की प्रोसेसिंग देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियल आई डी क्यू जीरो कॉमा ए ए बी बी जेड जीरो से प्रारंभ करते हुए एक एक सिंबल को प्रोसेस करते हुए हम आई डी क्यू टू लैम्डा जेड जीरो तक पहुँचे हैं। क्योंकि क्यू टू एक फाइनल स्टेट है, पी डी ए फाइनल स्टेट में हॉल्ट करेगी, अतः स्ट्रिंग ए ए बी बी इस पी डी ए द्वारा एक्सेप्ट होगी। यदि हम स्ट्रिंग ए बी बी की प्रोसेसिंग देखें तो हम पाते हैं कि इनिशियल आई डी क्यू जीरो ए बी बी जेड जीरो से प्रारंभ करते हुए एक एक सिंबल को प्रोसेस करते हुए हम आई डी क्यू वन बी जेड जीरो पर पहुंचते हैं। क्योंकि क्यू वन एक नॉन फाइनल स्टेट है, अतः पी डी ए नॉन फाइनल स्टेट में हॉल्ट करेगी तथा स्ट्रिंग ए बी बी एक्सेप्ट नहीं होगी। इस प्रकार से हम किसी भी स्ट्रिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए पुश डाउन ऑटोमेटन बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें उसके लॉजिक के बारे में सोचना है कि कैसे हम स्टैक का प्रयोग करते हुए स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा सकते हैं। क्योंकि पीडीए की प्रवृत्ति नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, अतः प्रत्येक इनपुट सिंबल तथा स्टैक सिंबल के लिए ट्रांजिशन डिफाइन करना जरूरी नहीं है। जिस किसी की आवश्यकता है उसी के लिए ट्रांजिशन डिफाइन करेंगे। इस लेक्चर में हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज तथा इसकी एक्सेप्टिंग मशीन पुश डाउन ऑटोमेटन के बारे में सीखा। अगले लेक्चर में हम ट्यूरिंग मशीन के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।